स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो पे गाइस। तो आज का वीडियो मैं करने वाला हूँ, मेरे पास जो गप्पीस एंड प्लेटीज का फ्राइज है ये वाला सेटअप के अंदर, तो इन सभी के लिए मैं एक सेटअप करने वाला हूँ जो होगा प्लास्टिक टब के अंदर, सब आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। तो पहले चलिए गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ मैं फ्राइज। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारा फ्राइज जो है मर गया है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए गाइस, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो फ्राई आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है चॉकलेट मॉली का बेबी। तो यहाँ पे 2 से 3 चॉकलेट मॉली का बेबीज है जो लोग मर गए हैं। तो इसका डिज़ाइन जो है गाइस ये मेरा खुद का गलती की वजह से मरा है, क्योंकि मैं इनको बहुत दिन से ठंडे के पानी में रख दिया था और सनलाइट के अंदर नहीं रखा था, तो इसकी वजह से ये जो फ्राइज है ये लोग मर गए। और इसके साथ है मेरे पास गप्पीज का फ्राई, यहाँ पर टोटल 50+ गप्पी फ्राई था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी 30+ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जितना भी फ्राई है वो लोग भी मर गया है सेम रीज़न के कारण। सो गाइस आप लोग इतना भी फ्राई दिखाई दे रहा है ये सबको मैं रखने वाला हूँ। ये वाला जो टब आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस टब के अंदर, और इस टब में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे एल्गीस है। ये वाला टब के अंदर भी आप लोगों को कुछ गप्पी फ्राई दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो फ्राई से ये है कोई टॉक्सिडो गप्पीस का बेबी, तो इन सभी को मैं ये वाला टैंक के अंदर छोड़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस ये वाला जो टब आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस टब के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगा, क्योंकि ये पानी जो है बहुत दिन पुराना है, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है जो आपके फिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग डायरेक्ट नया पानी ऐड करोगे तो आपका फ़िश का फ्राई जो है या फिर फिशेस है वो मतलब मर जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को करीब 20 दिन पुराना पानी ऐड करना है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो गाइस मैं इस टब को अच्छे से वॉश कर लिया, और यहाँ पे जो एल्गी आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, इन सभी को मैं नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि ये एल्गी जो है फ़िश का खाना है, और ये एल्गी खा के आपका जो फ़िश का फ्राई होगा या फिर कुछ फिशेस होगा वो लोग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो इसलिए आप लोग भी इसको ज़्यादा वॉश मत करिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा बहुत तो आप लोग वॉश करिए थोड़ा सा, लेकिन पूरा वॉश मत करिए। तो गाइस फाइनली पानी जो है मैं ले लिया हूँ, और इसके अंदर अभी मैं पुराना जो पानी है ये वाला इसको मैं ऐड करने वाला हूँ। और गाइस आप लोग ये टब है इसके अंदर जो फ्राइज है उनको भी उठाना है, क्योंकि उसके अंदर जो है करीब 50+ कोई टॉक्सिडो का फ्राई है। सो पानी जो है रेडी हो गया है गाइस, और ये करीब आधा घंटे तक मैं रख दिया था, और अभी इसमें वाटर टेम्परेचर एक्लिमेट होने के लिए ये जो फ्राइज है इसको रखूँगा। इसमें टोटल 70 या 60+ फ्राई होगा, और सब ये दोनों को मिला के, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो पानी है ये भी अच्छा है, लेकिन ये जो है बहुत दिन पुराना पानी है गाइस, इसके वजह से आपका फिश जो है मर गया है, तो यही रीज़न था गाइस। तो इन सभी को मैं अभी लेके जाता हूँ वो वाला टब के अंदर जिसके अंदर मैं इस फ्राइज को छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए करीब 20 से 30 मिनट तक रख दूंगा, और उसके बाद इन सभी को रिलीज़ करूंगा। तो चलिए गाइस 20 से 30 मिनट होने देते हैं, और ये जो टब है गाइस इसके अंदर कोई टॉक्सिडो जो बेबीज है उनको भी मैं डायरेक्ट रिलीज़ कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग एक साथ था, तो वाटर टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली सेम हो गया है। तो चलिए कुछ कुछ करके पकड़ता हूँ, इनको डायरेक्ट रिलीज़ करता हूँ। और देख पा रहे हो मेरा जो सेटअप है पूरा आउटडोर में है धूप के अंदर, तो चलिए गाइस इन सभी को धीरे धीरे रिलीज़ करता हूँ। देख पा रहे हो इन लोगों का जो एज है 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गया है, फिर भी इन लोगों का ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका रीज़न है वाटर चेंज मैं नहीं करता हूँ, अगर मैं वाटर चेंज करता तो मेरा फिश जो है बहुत जल्दी ग्रो होता है, और सनलाइट में भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो यही रीज़न है गाइस आप लोगों को अगर फ्राई को ग्रो करना चाहते हो तो आप लोग वाटर को हफ्ते में एक बार करके चेंज करिए, और उसके साथ अच्छा खाना दीजिए दिन में 3 से 4 बार, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। तो चलिए गाइस इन सभी को मैं अभी रिलीज़ करता हूँ धीरे धीरे, और आप लोग देखिए। और इस वीडियो में आप लोगों को अंडर वाटर शॉट भी मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे अंडर वाटर शॉट वीडियो आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिए। सो फ्रेंड्स फाइनली सभी बेबीज को छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पे इस टैंक को देखिए, पूरा भरा भरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 110 के करीब बेबीज है। सो फाइनली गाइस अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं मेरा जो गोल्ड फिश का फ्राई है उन सभी का अपडेट। तो चलिए गाइस पहले गोल्ड फिश की ये वाला जो टब है इसके अंदर है गोल्ड फिश का फ्राई, तो आप लोगों को इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा अंडे से जो बेबीज है वो लोग हैच हो गए हैं। करीब इन लोग का एज 3 दिन के करीब है, लेकिन आप लोगों को मैं 3 दिन के बाद अपडेट दे रहा हूँ इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो आप लोग अभी देख पा रहे हो मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है बेबीज, और इन सभी को मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है बेबीज गोल्ड फिश का, ये देख पा रहे हो मेरे हाथ के अंदर, थोड़ा सा फोकस होने देता हूँ एक सेकंड गाइस। हाँ ये देखिए बेबी, आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रहा था इसलिए मैं छन्नी लेके आऊँगा, सब इस छन्नी से आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि छन्नी में जो है बेबीस अच्छे से विजिबल होगा। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बेबीस 4 बेबीस आ गए, और कितना ज़्यादा छोटा है
लेकिन ये लोग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसका अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और हाँ गाइस, उसके साथ और भी एक बात है, अगर आप लोग गोल्ड फिश का ब्रीडिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करियो, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को गोल्ड फिश का ब्रीडिंग आप चाहिए वीडियो, तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। तो इनको मैं अभी धीरे धीरे रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये जो बेबी से ये लोग डायरेक्ट मर जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी इसको वीडियो के ही पे एंड करते हैं। सो गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। और अभी चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर नए हो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये कोई भी टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए तो वीडियो मैं आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और गोल्ड फिश का ब्रीडिंग वो तो होने ही वाला है। तो गाइस चलिए मिलते हैं और वीडियो में, टाटा। Close till I get up, time is barely on our side.